दोस्तों आज फिर उपस्थित हो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। दोस्तों वीडियो जो है BSNL से और MTNL से बेसिकली जुड़े होने वाली है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। BSNL ने स्थानीय बॉन्ड के जरिए 8,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई। दोस्तों स्थानीय बॉन्ड के जरिए जो 8,500 करोड़ रुपए जो है इसके रिवाइव करने के लिए जुटाने की योजना बनाई है। चलिए जानते हैं आगे पूरी न्यूज़। BSNL आय और धन के विस्तार को चुकाने के लिए आय का उपयोग करेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य एक समेकित क्षेत्र में बाजार में हिस्सेदारी हासिल करना है। और अब केवल 3 निजी ऑपरेटर जो है बचे हैं ऑल ओवर टेलीकॉम सेक्टर में। इंडिया की बात करें तो दोस्तों जियो, BSNL और एयरटेल, वोडा आइडिया, ये लोग बंद होने वाली हैं ये सब कंपनियाँ, और यही 3 कंपनियाँ जो हैं मेनली बची हैं। दोस्तों ये बताएं कि जो इसकी आय है उसका ही रिवाइवल प्लान में ये लोग सोच रहे हैं कि इसका ही यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो नई दिल्ली की रिपोर्ट है, भारत संचार निगम लिमिटेड पहली बार स्थानीय बॉन्ड बाजार में 8,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी के प्रस्तावित बॉन्ड 10 साल की परिपक्वताओं के साथ संप्रभु गारंटी कागज होंगे, मामले के प्रत्यक्ष ज्ञान वाले लोगों ने ये कहा। दोस्तों जो मामला पूरा जिन लोगों के सामने हुआ है उन्होंने ये कहा है कि जो इसकी जगह है, जो इसकी गारंटी है, वो सब कागजात में लिखित होगा। BSNL आय और धन के विस्तार को चुकाने के लिए आय का उपयोग करेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य एक समेकित क्षेत्र में बाजार में हिस्सेदारी हासिल करना है। केवल 3 ऑपरेटर बचे हैं यही। हम बाजार की स्थितियों के आधार पर सितंबर तक बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहे हैं, अध्यक्ष प्रवीण कुमार परवार ने ईटी को बताया। दोस्तों इकोनॉमिक्स टाइम के लिए ये बताया है इसके CMD PK परवार ने। प्रवीण कुमार परवार ये कहते हैं कि जो पैसा है वो सितंबर तक दे दिया जाएगा। इस मामले की पुष्टि करते हुए BSNL पैसे का उपयोग कुछ पुराने ऋण और पूंजीगत व्यय को चुकाने के लिए करेगा। दोस्तों इन्होंने ये सीधा कह दिया है कि जो पुराना कुछ कर्ज है उसके लिए, और जो व्यय है जो सैलरी का खर्च है उसके लिए करेगा। BSNL जो नई दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे भारत देश में संचार सेवाएँ प्रदान करता है पर कुल 2300 करोड़ रुपये का कर्ज है। ऋण अदायगी और उधार का दाताओं की मात्रा पर अंतिम निर्णय चरण के बाद लिया जाएगा। बॉन्ड की संभावना स्टॉक एक्सचेंज पर नीलामी के लिए आएगी, जिसे बाजार में इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। कंपनी क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए स्थानीय रेटिंग कंपनियों के साथ बातचीत भी कर रही है। सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड के साथ ग्रेड संचरित दायित्व के साथ AAA होने की संभावना है, जो अतिरिक्त संप्रभु समर्थन का संकेत देता है। दोस्तों डीलरों ने यह कहा है कि 7% ब्याज पर हम जो है इसको देंगे। तो चलिए जानते हैं, डीलरों ने कहा कि ब्याज दर लगभग 7% रहने की उम्मीद है। ICICI बैंक, ISEC प्राइमरी डीलर, PNB, JM फाइनेंशियल ट्रस्ट कैपिटल और SBI के कुछ ऐसे संभावित अरेंजेस हैं जो कंपनी के पहले बॉन्ड की बिक्री में मदद करेंगे, और कहा जाता है कि वे BSNL के साथ चर्चा में भी रहेंगे। व्यक्तिगत कंपनियों से टिप्पणी के लिए तुरंत संपर्क किया जाएगा। दोस्तों संपर्क जो है किया जा सकेगा ये जो BSNL के रिवाइव करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम जो है इसमें बचा है। ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नेटवर्क को कमज़ोर कर दिया है। BSNL ने दोस्तों हार मान ली है, ऐसा माना जा रहा है। जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें जो है BSNL की कनेक्टिविटी ठीक ठाक नहीं पहुंच पाती है, और ये कह रहे हैं कि हम जो है BSNL की कनेक्टिविटी लास्ट में जब BSNL का 4G लग जाएगा तब ग्रामीण एरियाओं में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मेनली इसका रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू जनरेट होता है जो टाउन एरिया है, जो सिटीज़ हैं वहाँ से। तो दोस्तों यही जो है इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है। और आपके लिए बता दें दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए का जो शेवरिन गारंटी है वो भी इसके लिए दिया गया है। और चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। एक्सरसाइज में शामिल एक स्थानीय अरेंजेस ने कहा कि बॉन्ड की बिक्री में अच्छी निवेशक की मांग पैदा होनी चाहिए, क्योंकि जोखिम में डूबे निवेशक किसी भी उच्च उपज के बजाय निवेश की सुरक्षा की तलाश में है। लंबी अवधि के निवेशक जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि
संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम और निजी बीमाकर्ता और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे सप्लायर्स बाजार की तरलता के लिए जो बीच ऋण प्रतिभूतियों को खरीद लें। दोस्तों उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो एसेट मोनेटाइजेशन है वो इसको जो है खरीद लें। बैंकिंग प्रणाली में 3.05 लाख करोड़ रुपये का जो है नकद अधिशेष है। पिछले साल सरकार ने कहा कि BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दो राज्यों के स्वामित्व वाली टेलीकॉम दोनों मिलकर 15,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक बॉन्ड जुटाएंगे, जिसके लिए यह संप्रभु गारंटी प्रदान करेगा। जहां कुछ महीने पहले MTNL ने बाजार में धूम मचाई थी, वहीं BSNL गिरती ब्याज दरों के बीच एक अनुकूल बाजार की प्रतीक्षा कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क दर के रिकॉर्ड में गिरावट के साथ कंपनी को अब सभी समय लगता है। ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार RBI ने AAA रेटेड 10 वर्षीय कॉरपोरेट बॉन्ड और इसी तरह की परिपक्वता संप्रभु कागज के बीच 22 मई के बाद से 70 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है। जब RBI ने बेंचमार्क रेपो रेट को 40 अंकों के आधार से जो है घटा दिया है। दोस्तों ये थी आज की कुछ खास न्यूज़, जिसमें कि बताया गया है कि सितंबर के लास्ट तक सब कुछ ठीक ठाक होने की संभावना है। 8,500 करोड़ रुपए मिल जाएगा और दोस्तों 2300 करोड़ रुपए BSNL और MTNL दोनों पर कर्जा है, वो भी इसी में से देना है। दोस्तों इसकी जो एसेट मोनेटाइजेशन वो भी प्रक्रिया हो चुकी है, कंप्लीट ही होने वाली है। जुलाई के लास्ट तक उसका सब कुछ हो जाएगा और 37,500 करोड़ रुपये वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे कि इसका जो कर्ज है वो भी दिया जा सकेगा। दोस्तों बताते हैं कर्ज में ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का भी जो है सैलरी बाकी है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का भी सैलरी हो गया है, तो जल्दी से सैलरी उनके भी मिलने के चांस हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।